यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने बसपा नेता के ऊपर दुष्कर्म का वीडियो बनाकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गई। पीड़ित महिला की माने तो बसपा नेता ओमकार उर्फ राजू गौतम अक्सर घर आया जाया करते थे, तभी उसने गलत काम करते हुए उसका वीडियो बना लिया और महिला के साथ शादी भी कर ली। जब पीड़िता को उसकी दूसरी शादी का पता चला तो पीड़िता ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद से बसपा नेता लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने इस घटना की शिकायत एसपी से की, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर बसपा नेता के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं डीएसपी ने बताया कि पीड़ित महिला द्वारा बसपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और इस मामले में जाँच की जा रही है। जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बसपा नेता के खिलाफ एक रेप की घटना में पीड़िता द्वारा अतिरिक्त दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जांच के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। गीता जो है पूरे प्रदेश में और यहाँ के लोगों में विशेषकर एक है कि हम लोग इसको बहुत ही भव्य रूप से दीपकोत्सव मनाएंगे और इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद सभी किए जाएंगे। आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा एक हाई अलर्ट जोन रहा है और यहाँ पे हम रिवर के ऊपर, लैंड के ऊपर, वायु के ऊपर, सभी के ऊपर हम लोग ये नज़र रखेंगे कि कोई असामाजिक तत्व इसमें कोई विघ्न न पैदा करे। और साथ ही साथ जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये पीपल्स मूवमेंट की तरह होगा। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, लोग हैं, थाने हैं, बल्कि हम थानों को भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने दिए जलाएं अपने अपने प्रांगण में। और सुरक्षा की व्यवस्था इतनी व्यापक होगी, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, चूंकि इस बार स्तर और विशाल तरीके से किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था इसकी होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएसी, रिवर पुलिस, सभी की व्यवस्था रहेगी। सर, एक और सबसे अहम फैसला, संभावित फैसला है, कई बड़े कार्तिक मेला है, दीपोत्सव है, ऐसे में धारा 144 लगाया गया है। देखिए, जिला प्रशासन हमेशा उन उपायों को लगाता है। 144 एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो लगाई गई है और ये विशेष अवसरों पर लगाया जाता है। आजकल हमारा फेस्टिवल है, दीपावली है, दीपकोत्सव है, इन सबों को मद्देनजर जिला प्रशासन ने लगाया है, जो कि हमेशा लगता है। तेजी से चल रही है और सभी जगहों पे, सभी स्थलों पे पूरी तैयारी में अफसर जुटे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बड़ा ऐतिहासिक ये दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। इस बार रिकॉर्ड संख्या में दीप जलाए जाएंगे और दीप केवल पर्यटन विभाग या सरकार के माध्यम से ही नहीं, इसमें जन जन की भागीदारी होगी। ये हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2,00,000 दीप कम से कम जनता के द्वारा जलाए जाएं, विद्यालयों में जलें, सरकारी भवनों में जलें, प्राइवेट भवनों में जलें, प्राइवेट घरों में तो जलते ही हैं, तो पूरा अयोध्या जनपद दीपमय हो जाए, ये हमारा ये इस बार का प्रयास है। और इस बार जो दीप जलेंगे वो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड हमें उम्मीद है कि बनेगा। अयोध्या का एक अहम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, उसको देखते हुए अयोध्या में किस तरह चाक चौबंद रहेगी आपकी? देखिए, सरकार प्रत्येक दशा में हर जगह सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी हर जगह और शासन जन सहयोग के माध्यम से पूरी तरह पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, आपने क्या दिशा निर्देश है? ये काम लगातार आपके सामने चल रहा है और दीपोत्सव के पहले सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 21 तारीख तक ये पूरा काम हो जाएगा। जी, क्या मामला था, कैसे मुकदमा पंजीकृत हुआ और कैसे हरेसमेंट हुआ आपका? मामला ये है कि बसपा जोनल कोऑर्डिनेटर ओंकार राजू, क्योंकि बसपा पार्टी में है, एक साल पहले भी मेरा ये मामला संज्ञान में आया था, जिसकी वजह से मुझे डरा धमका किसने मुझसे कम्प्रोमाइज करवा लिया था और मुझे धमका रहा था, मारने के लिए भी धमकी दे रहा था, इसलिए मेरा डर की वजह से मैंने इससे कम्प्रोमाइज कर लिया। बोला ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो करिए। इसलिए मैंने वहाँ बहन जी को इस बारे में भी जानकारी हुई, इसने वहाँ भी झूठी झूठी खबर दे दे के लोगों से झूठी गवाही दिलवा दिलवा के बहन जी को भी इसने गुमराह करके रखा, इस वजह से ही बच गया उस बार। और क्या कहते हैं, मुझसे बोला कि ठीक है आप रहने दीजिए, मैं आपको रखूँगा। अब ये फिर बोलता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मेरे पास कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी है, उसको भी बोलता है कि ये फर्जी है, जो तुमको करना हो कर लो, जाओ मुकदमा दिखवा दो जाके, हम जमानत करा लेंगे। कुल मिला के यही धमकी देता है और मुझे इसने बहुत मारा भी। किस तरीके से हैरेसमेंट करते थे आपका? सर, इसने मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इसने मुझे बहुत शोषण किया। मुझे इसने मेंटली रूप से इतना डिस्टर्ब कर रखा है कि जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ।
मुकदमा कैसे कायम हुआ? मतलब मैं ऐसे 1.5 महीने से मैंने हर जगह सारी जगह मैंने अप्लीकेशन भेज रखी थी, कहीं से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसकी वजह से मैंने अभी 8 तारीख को मैं गई कप्तान साहब से मिली, वहाँ भी मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैं 2 घंटे वहाँ बैठी थी, उसके बावजूद फिर मैंने कहा मैं मिल के जाऊँगी, तब उन्होंने कहा आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने वहाँ 2 घंटे वेट किए, उसके बाद फिर कप्तान साहब ने मुझे बुलाया, मैं गई, मैंने उनसे बताया। उन्होंने मुझे सारी उनके सहयोग से उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या चाहती है, मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब आपसे उसने कोर्ट मैरिज कर रखी है तो ये कहाँ से बनता है। मैंने बोला सर अब तो वो मुझे जानने और पहचानने से भी इनकार कर रहा है, तो मैं कहाँ से उसकी पत्नी हूँ, कहाँ से मैं उसकी कोई नहीं, मुझे बस उसके खिलाफ FIR चाहिए। आपको क्या मालूम पड़ा क्या कि उसके बाद भी कोर्ट मैरिज के बाद पहले उसने कोई शादी की थी या बाद में की? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बाद में पता चला। उस कप्तान साहब ने फिर उसके बाद तुरंत आर्डर किया, बोले आप 10 बजे जाके कल कोतवाली जाके आपकी FIR हो जाएगी, आप चलो। तो उन्होंने तत्काल कोतवाल को आर्डर दिया, कोतवाल सर को, और 10 बजे मैं वहाँ पहुँची। कोतवाल सर ने भी मेरा आ गए टाइम से और उन्होंने मेरी FIR लिखी, और उस मामले में मेरी अप्लीकेशनों की चर्चा पूरे कोतवाली में सबको थी, लेकिन सब मेरे उसमें वो कर रखा। खैर मैं पुलिस की बुराई नहीं करना चाहती, मैं भी पुलिस की बेटी हूँ, इस वजह से मुझे उनका सहयोग चाहिए, मुझे उनका सपोर्ट चाहिए, कुल मिला के न्याय चाहिए। मुझे उनसे उनके हाथ जोड़ के उनके पैर छू के मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी हेल्प करें, मदद करें बस।